मेहनत करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नीतीश कुमार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा डर करके हम लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय अभी 5 सदस्यीय टीम, हाँ अभी हम लोगों ने जो हजारों की संख्या में सचिवालय गेट पर, विधानसभा के गेट पर विधानसभा घेराव करने के लिए जो मार्च निकाला था और अपनी मांगों के समर्थन में वहाँ पर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि विधानसभा का गेट बंद था, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा विधानसभा का गेट बंद कर दिया गया था और हम लोग को गेट पर ही रोक लिया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों के 5 सदस्यीय टीम को मुख्यमंत्री सचिवालय में डायरेक्ट ले गए, शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी के पास न ले जा करके मुख्यमंत्री सचिवालय में ले गए और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो उप सचिव हैं मनोज कुमार जी, उनके पास हम 5 सदस्यीय टीम को ले जाया गया। मनोज कुमार साहब से हम लोग की जो वार्ता हुई है सभी बिंदुओं पर, एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने वार्ता अभी मनोज कुमार साहब के साथ किया है और मनोज कुमार साहब ने भी माना है कि आप टीजी शिक्षकों का जो मांगे हैं वो जायज है। हम लोग को रसीद दी गई है, प्राप्ति रसीद दी गई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब के टेबल तक इस हमारे मेमोरेंडम को पहुँचाया गया है और मुख्यमंत्री साहब के टेबल तक पहुँचा करके अपर मुख्य सचिव साहब को भी इत्तला की गई है कि बिहार के ये जो लाखों टीईटी शिक्षक, जिसमें से आज करीब करीब 10 से 15 हजार टीईटी शिक्षक गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगों को हमने रिसीव किया है और आपको मैं प्रेषित कर रहा हूँ। तो अपर मुख्य सचिव साहब को हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो मेमोरेंडम था उसे प्रेषित किया गया है और अभी पुनः हम लोगों को अपर मुख्य सचिव साहब से मिलने के लिए बुलाया गया है। हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय में जो मनोज कुमार साहब से हमारी वार्ता हुई है, सरकार जल्द ही हम लोगों की मांगों पर विचार करेगी और हम लोगों के मांगों को मानने के लिए वो बात होगी हमारे आंदोलन को लेकर। अगर इनकेस अगर नहीं होती है सरकार हमारी मांगों के समर्थन में, अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, तो साथियों जिस प्रकार से आज हम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए वो सुबह बिहार से 15 से 20 हजार शिक्षक इस धरती पर आए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर आकर के अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा है, आने वाले कल में हम गोड़िया बिस्तर समेट करके अपने घर से सत्तू लेकर के अपने चना सत्तू लेकर के